नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की जो स्कॉलरशिप है वो शुरू हो चुकी है, जिसके लिए आप गूगल में टाइप करें स्कॉलरशिप्स लिखेंगे तो इस साइट पे पहुंच जाएंगे। स्कॉलरशिप्स लिखना है, लिखते ही सर्च करें। सर्च करेंगे तो पहला ही पहला कॉलम जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, नेशनल स्कॉलरशिप्स पोर्टल आ चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर हम स्कॉलरशिप लिखते हैं तो भी आ जाएगा, नेशनल स्कॉलरशिप लिखते हैं तो भी इसी साइट पे आएंगे, माइनॉरिटी अफेयर्स पे क्लिक करेंगे तो भी इसी साइट पे पहुंचेंगे। ये सभी स्कॉलरशिप एक ही हैं, तो आप इस पर अपना क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो यहाँ ये इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें जो इंस्टीट्यूट लॉगिन और ऑफिस लॉगिन है ये डिपार्टमेंट के लिए है, और जो यहाँ नए हैं वो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, और जिनकी स्कॉलरशिप पहले से चल रही है जैसे ये दे रखा फ्रेश 2021, जैसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद यहाँ 2021 पे आएंगे। पहली प्रक्रिया, जो नए हैं इस बार पहली बार स्कॉलरशिप भर रहे हैं उन्हें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, और जिनकी पहले की हैं जो इस बार पहले फॉर्म भर चुके हैं और दोबारा फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो इस तरफ जहाँ लॉगिन पे जो मेन्यू जा रहे हैं उस पर क्लिक करना है। यहाँ किस किस स्कीम के तहत स्कॉलरशिप मिलती है उसकी डिटेल यहाँ दे रखी है। सेंट्रल स्कीम ये आ रखा है, माइनॉरिटी अफेयर्स की है, और इसके अलावा ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, जो अपंग हैं जिनके कोई डिसेबिलिटी है बॉडी में कोई भी, उनके लिए। नीचे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, और इनके अलावा जो जो स्कॉलरशिप यहाँ सरकार नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत दे रही है उनके नाम दे रखे हैं, आप इनमें जो भी पात्र हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके अलावा जो स्टेट स्कीम है वो स्टेट के दे रखी है, यहाँ अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग यहाँ स्कीम दे रखी है। तो हमें नए रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है, जो नए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है आपकी डिटेल, तो यहाँ पहले जो डॉक्यूमेंट अनिवार्य है वो इस प्रकार है, डेट ऑफ बर्थ है जो आपके सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए, स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी मूल निवास आपका, फिर स्कॉलरशिप कैटेगरी आप किस कैटेगरी में ले रहे हो, प्री या पोस्ट मैट्रिक, दो होते हैं, प्री मैट्रिक यानी 1 से 10 तक, और पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है वो होती है आपके 11-12 ITI, BSc, BCom, BTech, मेडिकल, यानी कि इनमें से कोई भी स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं। इसके बाद है नेम ऑफ स्टूडेंट का नाम डॉक्यूमेंट के अनुसार मिलना चाहिए, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, आपकी बैंक कॉपी है उसका पहला पेज, द नेम ऑफ द बैंक विल बी ऑटोमेटिकली मेंशन, ये IFSC कोड लगाएंगे तो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, और जो पोस्ट मैट्रिक है उनके लिए भी यही है तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन डिटेल, आधार कार्ड के लिए ये डिटेल दे रखी है, आधार कार्ड आपका होना चाहिए, और इसके अलावा जब आप इसको पढ़ लेवें, पढ़ लेने के बाद यहाँ दे रखा है कि मैंने ये इंस्ट्रक्शन पढ़ ली हैं, तो तीनों पे यहाँ टिक कर दीजिए और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे आपकी डिटेल पूछी गई है, पहले में स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी आप किस राज्य से हो, कोई भी एक राज्य जिसमें आप हो उसकी डिटेल यहाँ लिख दीजिएगा, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान। उसके बाद स्कॉलरशिप कैटेगरी यानी स्कॉलरशिप कौन सी आप ले रहे हो, परी या पोस्ट मैट्रिक, परी मैट्रिक यानी 1 से 10 और पोस्ट मैट्रिक यानी 11 से बाद जो भी आप ले रहे हो, 11वीं कक्षा के बाद जो भी स्कॉलरशिप होगी पोस्ट मैट्रिक होगी तो आप एक पे क्लिक करें। उसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट यानी बच्चे का नाम लिखना है, बच्चे का जो भी नाम है वो आप लिख देंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है स्कीम टाइप, यानी कि आपसे ये पूछा गया है कि स्कॉलरशिप आपकी जो है किस टाइप की है, स्कॉलरशिप स्कीम है या इंसेंटिव स्कीम है, तो ये दो टाइप की स्कॉलरशिप होती है, इनमें से जो भी स्कीम आपकी है तो उनमें से आप एक पर क्लिक कर सकते हैं। सामान्य 1 से 10 तो ये जो भर रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम ही होगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और यहाँ जेंडर, मेल या फीमेल जो भी आप हो। उसके बाद मोबाइल नंबर देने हैं और यहाँ मेल आईडी डालनी है, बैंक IFSC कोड और कन्फर्म IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक ऑफ नेम, बैंक का नेम जैसे SBI वो लिख देंगे। चूज आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन तौर पे आपने डॉक्यूमेंट में क्या लगाया है, आप आधार नंबर भी दे सकते हो और बैंक अकाउंट नंबर भी, दोनों में कोई भी दे सकते हो जो भी देना चाहें।
और उसके बाद है कैप्चा। यहाँ कैप्चा जो दे रखा है ये छोटे अक्षर में है तो छोटे में लगाएंगे, बड़े में तो बड़े में, और नीचे रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे तो ये पहला प्रोसेस आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो आप सभी को शेयर करना है। बढ़ते हैं आगे। जिस आप रजिस्टर पर क्लिक करें यहाँ पे आपको स्टूडेंट एप्लीकेशन आईडी दिया जाता है। इस एप्लीकेशन आईडी को यहाँ पे आप कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे आपको स्टूडेंट एप्लीकेशन आईडी दिया जाता है, इसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो आईडी है पासवर्ड वो आपके रजिस्टर मोबाइल पे भी भेज दिया जाता है और आईडी आपको मिल गया। उस आईडी को यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है। पासवर्ड फर्स्ट टाइम में आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे और आपका जो पासवर्ड है वो आपके मोबाइल पे भी SMS पे भेज दिया जाता है। उसका इस कैप्चर को यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको OTP मांगेगा। जो भी आपके रजिस्टर मोबाइल पर OTP आए वो OTP देंगे, नहीं तो अगर OTP नहीं मिलता है तो रिसेंट OTP करेंगे। अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे चेंज मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना OTP दे देंगे। तो चलिए यहाँ पे मुझे OTP मिल चुका है, मैं यहाँ पे OTP इंटर कर लेता हूँ। OTP देने के बाद यहाँ पे कन्फर्म OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। यहाँ पे कह रहा पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ आपको अल्फाबेट नंबरिंग वगैरह सारा चीज़ आपको देना होगा। क्या चीज़ आपको पासवर्ड देना है सब यहाँ पे दिखाई दिया है। आपको नया पासवर्ड देंगे, उसी पासवर्ड को यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन सबमिट करेंगे आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी और यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आपका स्टेट, कैटेगरी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका जेंडर और यहाँ पे आपको रिलीजन सेलेक्ट करना, आप किस जात किस धर्म के हैं। उसके बाद यहाँ आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका कैटेगरी वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर को फादर का फुल नाम देना है, मदर का फुल नाम। उसके बाद यहाँ पर एनुअल इनकम मतलब आपका सालाना इनकम क्या है वो देना होगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी शो करें। उसके बाद यहाँ पर क्या है डे स्कॉलरशिप या हॉस्टल, आप हॉस्टल में लेके रह के पढ़ते हैं या खुद रोज जाके स्कूल में कोचिंग करते हैं या पढ़ते हैं, तो डे स्कॉलरशिप। अगर हॉस्टल को सेलेक्ट करेंगे हॉस्टल का आपको प्रूफ देना होगा तो यहाँ पर डे स्कॉलरशिप को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एकेडमी डिटेल देना होगा, मतलब अभी कौन सा कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उसके लिए यहाँ पे सर्च इंस्टीट्यूट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे आपकी जिला में जितना भी कॉलेज है वो सारा यहाँ पे शो कर जाएगा। जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिख देंगे। उसके बाद आपका जो कॉलेज है वो यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ को पूछ रहा पेरेंट क्लास मतलब अभी कौन सा क्लास में पढ़ रहा है, यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जा रहा है। जो भी आपका क्लास है वो यहाँ से लिस्ट से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोर्स ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी यहाँ पे रेगुलर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है मतलब आप किस डेट से आप क्लास कर रहे हैं, अपना क्लास स्टार्टिंग डेट देंगे और जो अभी कर रहे हैं क्लास वो किस बोर्ड से, यहाँ बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है पिछला क्लास का डिटेल, पिछला आप कौन सा क्लास किए। अगर आप 12 का फॉर्म भर रहे हैं स्कॉलरशिप तो यहाँ आपको 10th का जानकारी देना होगा और 10th किस साल पासिंग की वो देना होगा और 10th में कितना परसेंट आया वो आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पे 10th क्लास का रोल नंबर देना होगा और 10th क्लास किस बोर्ड से किए वो बोर्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 10th क्लास किस साल आप पासिंग किए, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे देना होगा। अगर आप BA कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 12 का भी डिटेल देना होगा, अगर आप नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर इसके अलावा कोई भी कोर्स आपने कर रखा तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पे देंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे आप अनाथ है तो यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे करा इन डिसेबिलिटी, यानी कि अगर डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर यस है तो यस करेंगे। किस टाइप की डिसेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज देना होगा। परसेंटेज देने के बाद यहाँ आपको मैरिटल स्टेटस देना होगा।
यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी यानी कि जिसका आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं अगर वो विकलांग वगैरह तो यस करेंगे, और उसके बाद डिसेबिलिटी टाइप मतलब किस टाइप का विकलांग है यहाँ पे यहाँ लिस्ट मिल जाता है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद अगर उनका विकलांग सर्टिफिकेट बना है तो उसमें कितना परसेंटेज दिया गया है वो परसेंटेज आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद माइटर स्टेटस देना होगा। उसके बाद यहाँ आपको पूछ रहा मतलब पेरेंट क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पेरेंट क्या करते हैं वो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाता है वो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे अदर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ कॉन्टेक्ट डिटेल आपको देना होगा, स्टेट, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद यहाँ ब्लॉक ताल्लुक आपको जो भी होगा वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको फुल एड्रेस देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो एरिया पिन कोड होगा वो देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी आपके हिसाब का जो भी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो भी स्कॉलरशिप आपके लिए होगा वो स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे शो कर देगा। जैसे अभी हमारे केस में यहाँ पे दो स्कॉलरशिप शो कर रहा है तो किसी भी एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंट आपका ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप सालाना 50,000 से ज़्यादा किसी भी विद्यालय या कोचिंग को पे करते हैं तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अगर आप 50,000 से कम का सालाना पे कर रहे हैं किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी या कोचिंग वगैरह को तो आपको यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल देने के बाद उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट करेंगे, आपके द्वारा जो जानकारी दिया गया वो सारा यहाँ पे शो कर जाएगा, ये सबमिट हो चुका है। इसे प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। इसकी स्टेटस जानने के लिए यहाँ पे आपको चेक योर स्टेटस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना स्टेटस चेक करते यहाँ देखिए एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल। उसके बाद अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं प्रिंट योर एप्लीकेशन भी क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको प्रिंट करके आप कस्टमर को दे सकते हैं। इसी तरह आप आवेदन कर सकते हैं। ये पूरा प्रक्रिया था स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने का। उम्मीद करेंगे छोटा सा वीडियो आपको पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कर चुके तो उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे नॉलेजफुल जानकारी।